ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम एमएस वर्ड के क्लास नंबर 14 का टॉपिक हमने वाइंड अप किया था, और आज एमएस वर्ड के क्लास नंबर 15 का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 14 का टॉपिक हमारा क्रॉस रेफरेंस के नाम से ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर वाइंड अप हुआ था, और आज क्लास 15 का टॉपिक कमेंट के ऑप्शन से हम कंटिन्यू करते हैं। कमेंट क्या है? किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट कर लें, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, कमेंट पर क्लिक करें और उसके बारे में कोई भी मैसेज अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज अ वर्ड, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। ये सिंपल सा कमेंट वगैरह हैं, लेकिन आगे इसकी डिटेल आएगी रिव्यू के अंदर। यहाँ पर हमारे पास डिटेल आएगी कमेंट्स की, हम डिटेल से हम पढ़ेंगे ये कमेंट वगैरह। फिलहाल एक आइडिया दिया जा रहा था आपको वहाँ। खैर, इंसर्ट मेन्यू पर आएँ तो इसमें हमारे पास ये कमेंट था सिंपल सा, मैंने आपको बताया। अब लिखा हुआ रहा हेडर और फूटर। हेडर क्या है, फूटर क्या है, बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हेडर एंड फूटर। देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ काम मौजूद हो यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास काम मौजूद है यहाँ पर। हेडर फूटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हेडर फूटर हम यूज़ करते हैं किसी भी नोट्स वगैरह के ऊपर पेज का नंबर वगैरह टाइप करने के लिए, हेडिंग वगैरह टाइप करने के लिए, डेट, टाइम, टॉपिक, लेक्चर, लेसन वगैरह का कोई भी नेम वगैरह टाइप करने के लिए, ठीक है। अब ये हेडर कहते हैं पेज का टॉप का हिस्सा, फूटर कहते हैं पेज के बॉटम का एरिया, ठीक है। अब ये हेडर के इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ इसके स्टाइल आ रहे हैं, ये लोडिंग हो रही है, देख रहे हैं ये सारे स्टाइल हैं। स्क्रॉल बार यहाँ क्लिक करके अप और डाउन मूव कर सकते हैं इसको, और आप देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स आ रहे हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे हेडर फुटर का उस पर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। मैंने इस स्टाइल पर क्लिक किया, थ्री ब्लैंक्स, ब्लैंक थ्री कॉलम्स के नाम से ये आ रहा, क्लिक किया। अब यहाँ जाएँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने जाके लिख दिया डेट, ठीक है, समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ जाकर टाइप किया पेज नंबर 1 टाइप किया मैंने यहाँ, और हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए फाइल नेम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पेज नंबर 1, यहाँ जाएंगे पेज नंबर 2 नहीं आ रहा, यहाँ 3 नहीं आ रहा, 1 का 1 ही आ रहा है। हर पेज पर जो पहले पेज पर आ रहा है वही हर पेज पर सेम आ रहा है। अब जाते हैं हर पेज का अपना अपना नंबर आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट के मेन्यू पर आएंगे, फिर से हेडर पर आएंगे, और हेडर के अंदर मुख्तलिफ इसके स्टाइल आ रहे हैं, कौन सा स्टाइल लाना चाहते हैं, जाते हैं ये स्टाइल आ जाए या वो स्टाइल आ जाए। अब देखें यहाँ पर क्या पेज नंबर 1 आ रहा है। अब टॉपिक का नाम लिखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं किसी टॉपिक का नाम, जैसे हमने लिख दिया लेसन नंबर 55, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक का नेम हो आप टाइप कर सकते हैं। अब क्या होगा, पहले पेज का नंबर 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, और जो हमने हेडिंग लिखी हर पेज पर सेम आ रही है। अक्सर देखा होगा बुक्स वगैरह के अंदर ऊपर टॉपिक का नाम आ रहा होता है, ठीक है, हर पेज पर, और पेज का अपना अपना कंटिन्यू होता, अपना अपना नंबर कंटिन्यू हुआ होता है, ठीक है। तो खैर, यह सेटिंग थी इसकी। अब इंसर्ट पर आएंगे, हेडर की सेटिंग थी, हेडर में आ रहा था, जो भी स्टाइल हमने से अप्लाई करना चाहें डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर। और इस तरीके से ये लिखा हुआ है फुटर, फुटर कहते हैं पेज के नीचे का हिस्सा। ये देखें हेडर में आया था ये, अब फुटर पेज का खाली एरिया नीचे खाली है, इसमें कुछ लिखा हुआ मौजूद नहीं। अब फुटर पर आएंगे तो फुटर के मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, कौन सा स्टाइल लाना चाहता हूँ, जाते हैं ये स्टाइल आ जाए तो ये स्टाइल आ जाएगा। अब ये आ रहा है, डबल क्लिक करके चाहें तो यहाँ पर यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं, नाम आ रहा है 1, 2, 3, इस तरीके से जो भी स्टाइल आना चाहें चेंज कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। इंसर्ट पर आएंगे तो ये था हेडर का स्टाइल हुआ, ये था फुटर का स्टाइल, ये भी हमारा माइंड अप हुआ। बस फ़र्क किया गया ये नीचे आ रहा है और वो हेडर ऊपर आ रहा है, बाकी में मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि कौन से स्टाइल में किस तरह की सेटिंग लाना चाहते हैं आप। और यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ रहा पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज। अब इसमें क्या था, हम बाकी टॉपिक के नेम वगैरह पेज नंबर की सेटिंग भी अप्लाई कर सक रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेज नंबर के ऑप्शन में टॉप ऑफ पेज के ऑप्शन पर आएंगे तो टॉप के एरिया में सिर्फ पेज का नंबर आएगा, लेफ्ट में आए, सेंटर में आए, राइट में आए, किस तरफ लाना चाहते हैं पेज का नंबर, जिस तरफ लाना चाहें, जिस स्टाइल पर क्लिक करेंगे वो स्टाइल आएगा। टोटल पेजेस की तादाद 8 है, जिस पे कर्सर उस पेज का नंबर 1 है, दूसरे पेज पर आएंगे 2 आएगा, तीसरे पे जाएंगे 3 आएगा, 4 पर आएंगे 4 आएगा, 5 पर जाएंगे 5 आएगा। क्लियर है, याद रखिए हर पेज का अपना अपना नंबर कंटिन्यू है, और टोटल पेजेस की तादाद भी साथ में मेंशन कर रहा है, क्योंकि हमने इस तरह के स्टाइल पर क्लिक किया गया जिसमें ऐसा स्टाइल मौजूद था। और ये टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप के एरिया में आ रहा था। और अब इसके अंदर यहाँ जाएंगे बॉटम ऑफ पेज, बिल्कुल सेम उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन क्या पेज के बॉटम यानी कि नीचे के हिस्से में आएगा, सिर्फ पेज का नंबर आएगा, लेकिन कौन से स्टाइल में लाना चाहते हैं, हम जाते हैं पीजी, पेज की शॉर्ट फॉर्म में, पीजी पेज की शॉर्ट फॉर्म है, तो पेज के एंड में पेज का नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, अगेन अगेन जो भी लाना चाहें आसानी से ला सकते हैं। इंसर्ट पर आएंगे, पेज नंबर पर आएंगे, अब ये पेज का नंबर टॉप पर आया था, बॉटम में आया था, पेज मार्जिनस, मार्जिन कहा जाता है, खाली एरिया आ रहा है लेफ्ट और राइट में यहाँ पर। अब इस खाली एरिया में मार्जिन वगैरह में लाना चाहते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, पेज नंबर आ गया मार्जिन में, लेकिन इस पेज नंबर के अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ रन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बकायदा लिखा हुआ आ जाएगा, जब इसका साइज़ बढ़ाएं तो ये आपको लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो आपको दिखेगा, ठीक है। अब जिस तरह के स्टाइल में लाना चाहते हैं, हम यहाँ जाकर जो भी चेंज करेंगे, हम डिलीट करेंगे,
वो हर जगह हर पेज में से डिलीट हो रहा है। किसी भी पेज पर जाकर डिलीट करें, ऐड करें, हर पेज पर डिलीट करने से डिलीट होगा, ऐड करने से ऐड होगा। क्लियर। बाहर क्लिक करेंगे, बाहर आएंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने, डिलीट किया, डिलीट हो गया। इंसर्ट पर आएँ और यहाँ चले जाएँगे, यहाँ तक हमारा ये हुआ पेज नंबर की सेटिंग, मार्जिन के वाले से भी कम्प्लीट। करंट पोजिशन, पोजिशन से मुराद अब जहाँ पे हमारा कर्सर है, लेफ्ट में हो, राइट में हो, टॉप में हो, बॉटम में हो, कहीं भी कर्सर हमारा मौजूद हो, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से कर्सर हमारा आ जाएगा, ये कर्सर हमारा आ गया। और फिर यहाँ पर चले जाएंगे करंट पोजीशन, इसके मुख्तलिफ ये स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा स्टाइल लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये स्टाइल आए, ये स्टाइल आ गया। अब पेज नंबर 2, 3 जो भी पेज का नंबर है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और जिस पेज में हमारा कर्सर था उस पेज का जो नंबर था 1 आ रहा था, मैंने 3 कर दिया, 3 हो गया, चाहे तो यूँ चेंज भी कर सकते हैं। अब इंसर्ट के अंदर आएंगे, ये सेटिंग थी करंट पोजीशन के वाले से माइंड अप हुई। फॉर्मेट पेज नंबर ये क्या है, अब पेज नंबर की जो सेटिंग है काउंटिंग में आ रही है, 1, 2, 3 के स्टाइल में आ रही है। और आते हैं इसका जो स्टाइल है नंबरिंग में आए, अल्फ़ाबेट वाइज आए, रोमन आदाद की सेटिंग मुताबिक आए। फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करेंगे और 1, 2, 3 के स्टाइल में आ रहा है, अली बे ते वगैरह भी आ रहे हैं, देख रहे हैं ये स्टाइल। और ए बी सी स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में आ रहे हैं, रोमन आदाद भी आ रहे हैं, जो भी स्टाइल लाना चाहें। जाते हैं अल्फ़ाबेट में आए ए बी सी, ओके पे क्लिक किया ए, 2 पे जाएंगे बी, 3 पे जाएंगे सी, इस तरीके से अगेन अगेन कंटिन्यू करता जाएगा। टोटल पेजेस की तादाद काउंटिंग में ही शो कर रहा है। खैर यहाँ पर आएंगे, रिमूव पेज नंबर कर देंगे, जितने पेज नंबर की सेटिंग आ रही थी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। लेकिन फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करके हम चाहते हैं वही नॉर्मली जो स्टाइल होता है 1, 2, 3 का वो आए, ओके पे क्लिक किया, पेज नंबर का स्टाइल 1, 2, 3 के स्टाइल में आ गया काउंटिंग का। और अब यहाँ जाएंगे रिमूव पेज नंबर, जितने भी नंबर्स वगैरह आसपास आ रहे हैं रिमूव पेज नंबर्स पे क्लिक किया, सारा ख़त्म, गायब हो गया। क्लियर। तो ये सेटिंग थी, और कंट्रोल जेड करके वापस चाहें तो बैग ला सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का खास ख्याल करना, हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया, पेज नंबर वगैरह की जो सेटिंग थी सारी डिटेल हमारी यहाँ तक हो गई। अब जैसे ही हम हेडर फुटर में डबल क्लिक करेंगे, चाहे वो आपने अप्लाई किया हो या पेज के टॉप के एरिया में या पेज के बॉटम के एरिया में जाकर आपने अप्लाई किया हो ना किया हो, डबल क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन की सेटिंग आ जाएगी। या जैसे ही आप हेडर फुटर अप्लाई करते हैं, जब भी डिज़ाइन की सेटिंग आती है, हेडर फुटर पेज नंबर ये सारी सेटिंग हुई है जो भी हमने वहाँ सीखी थी। और मज़ीद यहाँ पर सेटिंग आ रही है डेट और टाइम, जिस तरह का डेट या टाइम के स्टाइल पर क्लिक करके ओके कर लेंगे। याद होगा आपने पिछली क्लास में डेट और टाइम लाने का तरीका पढ़ा था वर्ड के अंदर, तो वही सेम प्रोसीजर है इसका। चाहें तो यहाँ से भी अप्लाई करना है, डेट और टाइम अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो और क्विक पार्ट, ये दोनों चीज़ें आगे अगली क्लासेस में हमारा टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिक्चर भी पढ़ी थी हमने, लेकिन फिलहाल एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ जाकर पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहीं हेडर में पिक्चर लगाने पड़ी है तो बाकायदा आप लगा सकते हैं। अब हेडर फुटर में जो कुछ अप्लाई किया होगा ये सारा का सारा प्रिंट में आता है, ठीक है। और डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ क्लिक किया, डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक किया, ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए पिक्चर लाना चाहें ला सकते हैं। गो टू फुटर, फुटर में आ जाएंगे, देख रहे हैं, गो टू हेडर, हेडर में चले जाएंगे हम, और प्रीवियस और नेक्स्ट की सेटिंग को वैसे ही रहने देंगे। डिफरेंट फर्स्ट पेज, पेज पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज पर, पहले पेज पर जो भी नंबरिंग थी हेडर फुटर की जो सेटिंग भी थी सारी ख़त्म, रिमूव हो गई, यहाँ से बाकी पेजेस पर सेटिंग आ रही है, ठीक है। चेक करा देंगे, जब चेक कराएंगे तो क्या होगा, होगा ये जो पहले पेज से गायब हुई थी सेटिंग वो भी शो हो जाएगी। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ऑड कहते हैं ताकतदार पेजेस को, 1, 3, 5, 7, 9, इवन कहते हैं जो तादाद पेजेस को, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 2 पेज नंबर की जो सेटिंग है वो सारी रिमूव हो गई, हाइड हो गई यहाँ से, और 3 की सेटिंग आ रही है, 4 की नहीं आ रही। हम चाहते हैं ये ताकदात आ रहे हैं, मतलब ऑड आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर की सेटिंग हमें दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं इस तरह के नंबर की सेटिंग दिखें, 2, 4, 6, 8, 10। 2 की सेटिंग आए, 4 की आए, 6 की और 8 और 10 की आए, 1, 3, 5, 7 की ना आए, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ ऑड दिखता है, इवन नहीं दिखता। हाँ चेक कराएंगे, इवन भी दिखेगा फिर ऑड भी दिखेगा, ये सेटिंग है। क्लियर, मतलब इवन को शो नहीं कर सकते, ऑड को शो कर सकते हैं आप। और चेक कराएंगे, इवन ऑड दोनों फिर शो होंगे। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नीचे आ रहा है, चेक कराने पर हाइड हो जाएगा। अब इसमें कोई एरर आ रहा है वरना तो ये नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है ये हाइड हो जाता है, और चेक कराने पर हाइड दोबारा लगाने पर आ जाता है। अब हेडर पर हमारा कर्सर मौजूद है, हेडर की हाइट बढ़ा देंगे बढ़ी जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। अब जिस जगह हमारा फुटर में कर्सर मौजूद हो, फुटर की हाइट बढ़ा देंगे, फुटर की हाइट बढ़ी जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी, जितनी यूज़ में लाना चाहिए। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करके चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका अलाइनमेंट, वरना इसको ऐसे रहने देंगे। क्लोज़ करेंगे हेडर फुटर से बाहर आने के लिए, और हेडर फुटर में डबल क्लिक किया आगे, और अगर इससे बाहर लाना है तो ये जो लाइन्स आ रही है ना, ये ग्रेड लाइन, इस लाइन के अंदर पेज के अंदर यानी डबल क्लिक कर देंगे, हेडर फुटर से बाहर भी आ सकते हैं। ये पेज नंबर की जो सेटिंग है एक बार फिर देख लें कहाँ से आई। इंसर्ट पर आएंगे हम, ये आ रहा हेडर फुटर, हेडर से क्लिक करेंगे, हेडर के मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर के भी स्टाइल आ रहे हैं। पेज नंबर की सेटिंग, टॉप ऑफ पेज,
बॉटम ऑफ पेज सारी सेटिंग यहाँ मौजूद है। जो भी पेज नंबर की सेटिंग अप्लाई करेंगे डिज़ाइन की सेटिंग आ जाएगी, यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, क्लास 15 के हवाले से हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट बॉक्स क्लास नंबर 16 के हवाले से इंशाल्लाह।